सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज अब तक के जो मेरा ये प्रोफेशन है जीव अच्छा वाला, पहली बार मैं अपने घर से इतना दूर जा रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस हमें लग रहा है 150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। हम जहाँ पे हैं बलिया जिला से, ये मऊ जिले में मैं जा रहा हूँ। दोहरी घाट वाले रोड पे कोई मधुबन है, मधुबन का है कोई दरगाह क्षेत्र है। तो दोस्तों, हम लोग की टीम पूरी जा रही है, आप देख सकते हैं। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे टीममेट निखिल, महेंद्र विश्वकर्मा जी, और सामने जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपना भी दिखा दीजिए आप थोड़ा सा। मेरी रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ये अविनाश तिवारी जी हैं, और ये हमारे ड्राइवर जो हैं इनका नाम अकबर है। ये आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स वहां चल के कौन सा इसमें। हमें बल्ब निकालना है, उसको लगाना है। आप पीछे आइए, ठीक है, यहीं पे होल्डर है भैया, देखिएगा ना आप। दीजिए, देखिए यहीं पे होल्डर है, टॉर्च दीजिए, ये देखिए, ये साइड हो जाइए, होल्डर वो लगा लीजिए ना भैया, यहां पे वहीं पे देखिए होल्डर है, हाँ लगा दीजिए, ऑटोमेटिक है, मैं चालू कर दे रहा हूं। देखिए ना उधर गया है वो, पीछे जाइए, बहुत बड़ा है ये, हटिए हटिए हटिए, उधर जा रहा है, किधर, उस साइड आइए, इधर देखिए, देखिए मोबाइल खड़ा करिए, मोबाइल वैसे उधर जा रहा है, हटिए, चलिए उधर जा रहा है, हटिए, अंदर कपड़े भी इसी में है, मोबाइल देखिए, मुंह अंदर की तरफ दिख रहा है, उधर छेड़छाड़ देखते रहिएगा, उधर निकल सकता है, आप लोग बहुत सतर्कता से हटाइएगा सामान। मैं अंदर देख के दबाओ उसको, खड़ा वहीं पर बैठा है, जेको इसके नीचे वैसा नहीं लग रहा है। मैं अंदर ध्यान से आप रुक के, एक लोग आगे चलिए, मैं अंदर चल, एक लोग आगे चलिए कैमरा में, मैं अंदर निकल रहा हूँ उधर से, दोस्तों
आप लोग देख सकते हैं आज मैं अपने घर से बलिया जिला से 100 किलोमीटर की दूरी पे आया हूँ और पहली बार घर से दूर आया हूँ। रात्रि के कितने बज रहे हैं? रात्रि के 12:30 हो रहे हैं दोस्तों, 12:30 बज गए हैं और मुझे कॉल आई और मैं इसमें मऊ जिला के मधुबन क्षेत्र के दरगाह गांव में हूँ। दरगाह गांव है जी? हाँ, दरगाह है। दरगाह गांव में हूँ दोस्तों। अभी मुझे कॉल आया था 2-3 घंटे पहले, तो हम लोग आ गए यहाँ पे रेस्क्यू के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए और यहाँ की पब्लिक के लिए बता दूं कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जो बहुत जहरीला होता है। हिंदी में इसको गेहूं नाग फिटार बोलते हैं और साइंटिफिक नेम इसका जिससे पूरा विश्व जानता है, नाजा नाजा है। सो दोस्तों, आप लोग हमेशा ऐसे सांपों से दूरी बनाइएगा। कभी भी ऐसा सांप काटता है, आप लोगों से निवेदन है कि कभी सांप काटता है ऐसा, तो आप लोग किसी भी झाड़ फूक कोजागुरी के चक्कर में ना पड़िएगा। कोई जादू मंत्र तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। कभी भी ऐसा सांप काटता है तो आप लोग अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे आपको एंटीवेनम लगेगा, तभी आपकी जान बचेगी, अन्यथा आपकी मौत हो जाएगी। सो दोस्तों, ये बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है, इसकी उम्र कम से कम 30 साल के आसपास है। ये 25 से 30 साल का बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है। अब तक का हमारे भी रेस्क्यू में सबसे बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा है ये। सो बहुत अच्छा हुआ किसी को हानि नहीं हुई और आप लोग भी जीव रक्षक हैं, जीव प्रेमी हैं, इसीलिए आपको बुलाए। हाँ, और कोई खतरा नहीं हुआ तो आप लोग भी अपना बचाए, इसको बहुत अच्छी बात है ये बच गया। और ऐसे सांपों से हमेशा दूरी बना के रखिएगा। हाँ, ब्लैक कलर से और लाइट से भी अट्रैक्ट होता है। मम्मी बता रही कि इन्होंने काला देखा था। हाँ। तो नहीं ना है। नहीं नहीं, वो वो ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो ब्रिज के पास आया था नीचे और इधर होकर टीवी देख रही थी। अच्छा। अचानक नजर गई। हाँ। तो एकदम घबरा गई। हाँ। मैं बाहर बैठा था। हाँ। अब यहाँ से वो मुझे बुलाए, मैं सुना नहीं, फिर उन्होंने कॉल किया मुझे कि आइए देखिए साफ है। फिर मैंने देखा, फिर मैं भी एकदम वो हो गया, क्या करूं। उसके बाद आपका नंबर था, सेव किया था मैंने, आपका वीडियो बहुत बार देखा था, तो सोचा आप बलिया के ही हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे। एक और लोग हैं लेकिन बहुत दूर के हैं, तो सोचे आपको बोल रहे हैं, आप आ सकते हैं। तो आप भी बहुत कोशिश की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आए। नहीं तो हम लोग पूरी रात परेशान होते, 9 बजे से हम इसको देख रहे हैं, वहाँ से थोड़ा हिले तक नहीं। बहुत अच्छी बात, देखिए कहीं चला ना गया। हमेशा निगाह बना के रखनी चाहिए, नहीं तो इसको जगह थोड़ा सी मिलेगी तो ये छिप जाएगा और फिर ये तो जीव है, जब इसको खतरे की आशंका होगी तो ये वार करेगा। वार करेगा, इसीलिए तो हम इसको छेड़े नहीं कुछ, देखिए तक नहीं इसको। बहुत अच्छा। ये सांप 70-80% फास्ट बाइट करता है। 70-80 बार ऐसा होता है कि इसका जो वेनम होता है इंजेक्ट नहीं होता है बॉडी में, ठीक है, इंजेक्ट नहीं होता है, मतलब शरीर में इसका वेनम नहीं जाता है। तो लोग कहीं इधर उधर जाते हैं, पानी पी लेते हैं, झड़वा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो लगता है कि हमको ओझा जी या वैद्य जी बचा लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं जी। कोई झाड़ फूक से नहीं बचेगा। अब देख लीजिए ये कितना बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके लिए एक बड़ा सा डब्बा दे दीजिए। अच्छा, ये कहाँ से आ गया होगा? ये देखिए, आपका मिट्टी का घर है ना पीछे, तो ये जो स्नेक होता है ये मिट्टी के घरों में आराम से रहता है, ठंडा कभी बरसात कभी आ जाएगा। ये यही एक स्नेक है जो हर जगह रह सकता है, हर जगह ये रह सकता है, पानी में भी आप 2-4-5 घंटे रखेंगे रह जाए, बस इसका चेहरा ऊपर होना चाहिए। नहीं, हमारा देखिए ऐसा है, पता नहीं कहाँ से, एक बार ऐसे एक बार पहले भी आया था, 2-3 साल पहले, तो हम लोगों को उतना ज्ञात नहीं था, तो फिर जो गाँव वाले लोग करते हैं। देखिए, जो आपकी माता जी बता रही हैं कि काला रंग का, ठीक है, मैं एक बार और सर्च कर लेता हूँ, कोई और भी सांप होगा मैं देखा ना तो काला था, तो उसको मैं देखता हूँ। हाँ, देख लेते हैं। देखिए, जीवन बड़ा अनमोल है, चाहे इंसान का हो या जीव का हो, तो आप लोगों के लिए देखिए इसमें दोनों है ना, आप भी की जान बच गई, आपकी भी और इसकी भी। एक इसको डब्बा दे दिए, पैक कर लेते हैं, डब्बा आ रहा है। हाँ, फिर हम आप दूसरा सर्च करते हैं। थोड़ा वीडियो कॉल करते हैं, पापा मुंबई में, वो अभी परेशान है, सो ही नहीं है। ठीक है, देखा दे उनके। हाँ,
जानकारी ही बचाव है, जब जानकारी होगी तो किसी को खतरा नहीं होगा। चेका के मैंने पकड़ लिया हुआ चलो ठीक है, पैक कराओ यहाँ। ठीक है डब्बा दे दिए, इसको हम पैक करते हैं। ठीक अरे नहीं, अब बाद में दीजिए, पहले इसको पैक कर। नीचे योगा के आप लोग के आते आते दिख गया है। हाँ वही, आप अलर्ट थे ना, आप भी, आपको भी एकदम जो बोला गया था कि निगरानी करते रहिए, आपने किया। मतलब वो लगे ना, एक दफ्ती है, कोई दफ्ती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैप सही है ना, इसका चेक कर लिया ना? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बिग साइज स्पेक्टिकल्ड कोबरा भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से पैक हो गया इसमें बहुत आसानी से। अब इसमें जगह बनाने के लिए, एयर के लिए हमें थोड़ा सा कुछ दे दीजिए नुकीला चीज, जिस छेद बना रहे तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छे से जगह बन गया इसको रहने के लिए। और घर वालों को आशंका है कि ब्लैक कलर का कोई स्नैक और इनको देखा गया है, पता ना डर के मारे लोग ध्यान दिए या नहीं, तो एक बार मैं फिर से जांच कर लेता हूं घर का, कोई दूसरा सांप दिखता है तो मैं पकड़ लेता हूं उसको भी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये स्नैक, दूसरा हम लोग ने काफी प्रयास किया, दूसरा कोई स्नैक नहीं है घर में, यही स्नैक था जो इनको दिखा होगा, काले रंग का है चेहरा इसका, देखा था इन्होंने, अच्छे से ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, घर में कोई दूसरा स्नैक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा इनके परिवार पे कि इतना पुराना सांप जो इधर आसपास रहा या इनके घर में रहा, जहां भी किसी को कोई खतरा नहीं हुआ दोस्तों। और इनकी भी इच्छा थी कि जीव हत्या ना हो और सांपों को बचाया जाए, जीवों को बचाया जाए, तो हमको इतने दूर से इन्होंने इतनी रात्रि को कॉल किया, और हमने जानबूझ के इन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाइए एक बार, थोड़ा सा ये होता है कि रात्रि को जब सामने वाला एक्टिव रहता है तो हम लोग को भी कहीं आने में अच्छा लगता है। और ये इनको जैसा मैंने बोला कि आप वहां निगरानी बना के रखिए, वैसे बनाए हुए थे, बहुत अच्छे से सफलता हम लोग को मिल गई, आसानी से पकड़ा गया इसने। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि इस घर में हम आए थे मधुबन में दरगाह में, सभी लोग यहाँ पे जीव प्रेमी हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद था, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ और ये लोग भी सुरक्षित रहे, और सुरक्षित तरीके से सांप को ये लोगों ने निगरानी से एकदम ध्यान से देखा और मैं उसको पकड़ लिया। सो फ्रेंड्स आप लोग ये दुआ करिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा कि सब लोग जहां रहें सुरक्षित रहें, जीव भी जहां रहें सुरक्षित रहें, किसी को कोई खतरा ना पहुंचाएं और वो भी कोई उन्हें मारे नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ इतने दूर, मुझे इस परिवार से बहुत प्रेम और आशीर्वाद मिला, और मतलब जिस जो मैं सोचा भी नहीं था, बहुत मुझे प्रेम मिला, रिस्पेक्ट मिला, इज्जत मिली यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। इतने दूर पहली बार आया था लेकिन मैं बहुत खुश हूँ,
और आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि इस परिवार के लिए भी और हम लोग की टीम के लिए भी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वाले अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग सबको शेयर करिएगा, जिससे लोग जागरूक हों, जीवों की हत्याएं बंद हो और सब लोग अपने घर में सही सलामत रहें। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस मौसम में हम लोग का साथ कोई और नहीं, बारिश दे रही है, बरसात का मौसम है और देखिए बहुत तेज बरसात हो रही है और हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से, स्नैक पकड़ लिए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ बलिया जिला।